झंडी दिखाई है। इस वक्त इस रथ पर खुद सवार हैं हमारे साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। स्वागत है सर। सर ये जन विश्वास यात्रा लेकर के आप निकले हैं, पार्टी निकल रही है, अलग अलग 6 जगहों से निकली है, टॉप लीडरशिप जो है वो एक तरीके से आज उत्तर प्रदेश में है, कितना लगता है विश्वास करेगी जनता और किस तरह का विश्वास होगा? देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा सो करके दिखाया। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 7-7.5 वर्ष के दौरान जो हुआ है देश के अंदर वो अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है। बिना भेदभाव के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का ये प्रतीक बना। उत्तर प्रदेश में पिछले 4.5 वर्ष के दौरान जो हुआ है वह हरेक व्यक्ति के लिए, वह मुझे लगता है कि अभिनव भी है, आश्चर्यजनक भी है। हमने जो कहा सो करके दिखाया, इसलिए इसमें कहीं कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी इस जन विश्वास पर हर स्थिति में खरा उतरेगी और जनता का आशीर्वाद, जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री जी, आप मथुरा से आप इसकी शुरुआत कर रहे हैं, क्या काशी और अयोध्या के बाद लगता है कि मथुरा भी पार्टी के एजेंडे में है? और बड़ी चर्चा इस बात की है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा से चुनाव भी लड़ेंगे। देखिए चुनाव लड़ने का मेरा यहाँ से कोई कार्यक्रम नहीं है, पार्टी जहाँ से मुझे कहेगी वहाँ से लड़ेंगे, लेकिन मथुरा मेरा पावन धाम है और अपने पावन धाम से यह सौभाग्य हमें प्राप्त हो, मैं पहली बार यहाँ नहीं आया हूँ, आज 19 दिसंबर और 19वीं बार में मथुरा में आया हूँ और मथुरा हमारा पावन धाम, हमारा उत्तर प्रदेश वासियों का सौभाग्य है कि सप्तपुरियों में से 3 पुरी उत्तर प्रदेश में है, अयोध्या, मथुरा और काशी, तो उसमें मथुरा है। इन सभी पुरियों में दर्शन करने और जनता जनार्दन की कृपा, उनके आशीर्वाद से, प्रधानमंत्री मोदी जी की अनुकंपा से जनता के लिए और उन क्षेत्र, इन तीर्थों के विकास करने का कुछ सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इससे ज्यादा आनंद का अवसर और क्या हो सकता है। मंत्री जी, कल प्रधानमंत्री ने आपको उपयोगी कहा, योगी उत्तर प्रदेश को जोड़ करके उपयोगी, कुछ लोग अनुपयोगी शब्द का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए योगी तो उपयोगी ही होता है, योगी को प्रधानमंत्री मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के लिए उपयोगी बनाया, लेकिन माफिया, अपराधी, आतंकवादियों और पेशेवर तस्करों और भ्रष्टाचारियों के लिए उपयोगी रहे दल के लिए मैं अनुपयोगी जरूर हूं, क्योंकि जब किसी माफिया की अवैध कमाई पर बुलडोजर चलता है तो कैसे स्वीकार करेगा? पेशेवर अपराधियों के खिलाफ जब सरकार की कार्रवाई चलती है, दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई होती है, इसको कैसे भी लोग स्वीकार कर पाएंगे? तो स्वाभाविक रूप से प्रदेश सरकार की लड़ाई मजबूती से आगे बढ़ रही है, लोक कल्याण का कार्य हो, चाहे वह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य हो, सरकार ने पूरी मजबूती के साथ इसे आगे बढ़ाया है, आस्था का सम्मान हो, मथुरा ब्रज तीर्थ विकास परिषद, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि भव्य मंदिर के निर्माण का हो, काशी में बाबा विश्वनाथ धाम का निर्माण के साथ साथ पूरा भव्य स्वरूप देने का कार्य हो, विंध्यवासिनी धाम के पुनरुद्धार की कार्रवाई हो, भव्य और दिव्य कुंभ का हो, उत्तर प्रदेश ने हरेक फील्ड में काम किया है और मुझे लगता है जन विश्वास यात्रा उसी का प्रतीक।